हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज चंद्रेश भांगे, फैकल्टी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। टुडे सब्जेक्ट नेम इज माइक्रोवेव एंड रडार। टुडे चैप्टर नेम इज फंडामेंटल ऑफ माइक्रोवेव कम्युनिकेशन एंड वेवगाइड्स। एंड टुडे टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वेवगाइड्स। रिविजन कर लेते दोस्तों, अभी तक अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। सबसे पहले वेरियस माइक्रोवेव टीज पढ़े, जैसे ई प्लेन टी, एच प्लेन टी, मैजिक टीज। ये इसका काम होता है वेवगाइड को अलग अलग डायरेक्शन में जॉइंट करना। आइसोलेटर पढ़ा है, सर्कुलेटर पढ़ा है। आइसोलेटर का काम होता है सिग्नल को सोर्स से लेकर लोड तक ट्रांसफ़र करना, लेकिन जब लोड से वो सिग्नल रिफ्लेक्ट होता है सोर्स के तरफ वापस, तो उसे वहीं पर रोकना, आइसोलेट करना। सर्कुलेटर का काम है कि सिग्नल को रोटेट करना, जब वेवगाइड के साथ सर्कुलेटर कनेक्ट होता है तब सिग्नल रोटेट कर सकते हैं। फ्लेंजेस, रोटेटिंग कपलिंग, बेंड्स, कॉर्नर, ट्विस्ट, टैपर, ये क्या है कि वेवगाइड को अलग अलग डायरेक्शन में अपन जॉइन कर सकते हैं, कपल कर सकते हैं। ये है माइक्रोवेव पैसिव कंपोनेंट्स। डायरेक्शनल कपलर, वेवगाइड को अगर डायरेक्शनल उसका डायरेक्शन चेंज करके उसे जॉइंट करना है तो डायरेक्शनल कपलर यूज करते हैं। डिश एंड हॉर्न एंटीना पढ़ा, जो माइक्रोवेव में जो एंटीना यूज करते हैं वो है डिश एंड हॉर्न एंटीना। टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर, अगर माइक्रोवेव सिग्नल को वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर अपन ने पढ़े है। मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन, जब दो कैविटी के ज़्यादा अगर यूज करना है तो मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर करके एम्पलीफायर अपन ने पढ़ा है। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर, यानी ये रिफ्लेक्स यानी एक ऑक्सीलेटर है, ये ऑक्सीलेटर अपन ने पढ़ा है। मैग्नेट्रॉन अपन ने पढ़ा है। ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एज एम्पलीफायर पढ़ा है। गन डायोड, इम्पार्ट डायोड, माइक्रो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम एंड बैंड डिजिग्नेशन, अलग अलग फ्रिक्वेंसी बैंड्स पढ़े हैं अभी तक। कंपेरिजन पढ़े हैं वेवगाइड। कोर्स आउटकम, यानी ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है दोस्तों, वो देखते हैं। यूज स्पेसिफाइड वेवगाइड्स इन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम, अलग अलग वेवगाइड्स जो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन करने के लिए काम में आते हैं उसका आपका नॉलेज यहाँ पे ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद बढ़ने वाला है। यूनिट आउटकम, ये यूनिट पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ गिवन पैरामीटर फॉर अ सर्कुलर वेवगाइड विथ एग्जाम्पल। प्रॉपर्टी पढ़ना है फॉर द सर्कुलर वेवगाइड विथ एग्जाम्पल। कैलकुलेट द कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी ऑफ द गिवन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। ये चार पैरामीटर के बारे में अपने को यहाँ पढ़ना है। डिस्क्राइब विथ रिलेवेंट स्केच द फील्ड पैटर्न ऑफ द गिवन मोड ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड, यानी डिफरेंट फील्ड पैटर्न पढ़ना है रेक्टेंगुलर वेवगाइड में। ये आपको तीन नॉलेज इसमें बढ़ने वाले हैं। सेशन आउटकम में क्या है कि आज अपने को कौन से टॉपिक पढ़ना है और जिससे आपका नॉलेज बढ़ने वाला है। स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ वेवगाइड, रेक्टेंगुलर वेवगाइड और सर्कुलर वेवगाइड अपने को पढ़ना है। प्रोपोगेशन ऑफ वेव इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड, रेक्टेंगुलर वेवगाइड में जो वेव प्रोपोगेट होते हैं वो अपने को पढ़ना है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम द कंडक्टिंग प्लेन, डोमिनेंट मोड, द पैरेलल प्लेन वेवगाइड, कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी, ये अपने को पढ़ना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम पीओ एंड पीएसओ। आज जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो उसे कहते हैं, यानी उसके बाद आप वो कौन कौन से जो प्रोग्राम आउटकम है उसे सेटिस्फाइड करते या फिर मैप करते हैं जो एनबीए
जो एनबीए ने दिए हुए हैं, ये 10 PO यहाँ पे लिखे हुए हैं और 2 PSO लिखे हुए हैं। फर्स्ट है बेसिक नॉलेज, जो फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड रहते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहते हैं, बेसिक सब्जेक्ट के लिए रहते हैं। दूसरा है डिसिप्लिन नॉलेज, जो अपने फील्ड रिलेटेड रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, टेलीकम्युनिकेशन फील्ड के बारे में ये टॉपिक है, तो इस वो जो टॉपिक है ये नॉलेज उससे रिकवर हो रहा है क्या, ये पता करते हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, यानी आज जो टॉपिक पढ़ते हैं उसमें वो करने के बाद अपन कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या, ये अपन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम आता है, जो है PO3। PO4 क्या है? इंजीनियरिंग टूल्स, यानी आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे कोई ऐसा नॉलेज जो डेवलप हो रहा है क्या, जहाँ पे इंजीनियरिंग टूल्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी से कोई टूल्स का यूज किया जा रहा है क्या, वो आपको पता, यानी PO4 में होता है वो। उसके बाद PO5 इंजीनियर एंड सोसाइटी, इस ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपका सोसाइटी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, कोई सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, लीगल इंस्ट्रक्शंस, ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस से आपका नॉलेज बढ़ रहा है क्या, तो PO5 सेटिस्फाइड होता है। PO6 क्या होता है? एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, इसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है, जो बाहर का वातावरण है उसका, वो टॉपिक पढ़ने के बाद इस रिलेटेड आपका कोई नॉलेज बढ़ने वाला है क्या, वो है PO6। PO7 यानी क्या? इथिक्स। इथिक्स यानी क्या? बिहेवियर, अपना जो बिहेवियर के बारे में कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला है क्या आज का टॉपिक पढ़ने के बाद, ये PO7 बताता है। PO8 क्या है? इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। इंडिविजुअल एंड टीम वर्क में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हो उसमें कोई लीडरशिप क्वालिटी बढ़ रही है या फिर टीम मेंबर करके कुछ काम करना है क्या, इसका नॉलेज कोई बढ़ रहा है क्या, तो ये PO8 होता है। उसके बाद PO9 ये होता है कम्युनिकेशन रिलेटेड। ये कम्युनिकेशन रिलेटेड क्या है कि जैसे आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले उसका, उससे आपका कोई कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होने वाला है क्या, ये बताता है। नेक्स्ट है PO10। PO10 क्या है? लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग में क्या है कि यहाँ पे आपको कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल जो आगे चेंजेस होने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में, इसके बारे में आपको इसके बारे में नॉलेज आने वाला है क्या ये टॉपिक पढ़ने के बाद, ये है PO10। नेक्स्ट है प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम, यानी व्हाट शी और ही विल एबल टू द इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्पेसिफिक इंडस्ट्री सून आफ्टर द डिप्लोमा प्रोग्राम, ये है PSO1। PSO1 में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में यहाँ पे मेंटेन वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप अलग अलग कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में जो टाइप्स रहते हैं, जो सिस्टम्स है, उसके बारे में आपको कोई नॉलेज आने वाला है क्या। और एक है PSO2, यानी क्या है इसमें? EDA टूल्स यूज। EDA टूल्स का मतलब क्या? इस रिलेटेड ये टॉपिक पढ़ने के बाद कोई सॉफ्टवेयर का आप यूज करने वाले हो क्या, उसका कोई नॉलेज आने वाला है क्या। तो ऐसे PO1 से लेकर PO10 तक रहते हैं, और एक रहता है PSO1, PSO2। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आज का जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं आप उस रिलेटेड आपका PO1 सेटिस्फाइड हो रहा है, मैप हो रहा है। जैसे इसके में इस, क्योंकि ये टॉपिक में मैथमेटिक्स रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री रिलेटेड, उससे वो रिलेट करता है, इसलिए इस यहाँ पे टिक किया गया। सेकंड है डिसिप्लिन नॉलेज, यानी अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड नॉलेज मिल रहा है, वो चीज़ सेटिस्फाइड हो रही, मैप हो रही, इसलिए यहाँ पे अपन राइट किए हुए हैं। एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, यानी यहाँ से अपन कुछ एक्सपेरिमेंट इस रिलेटेड कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी PO3 भी साइट इज सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ राइट किया है। नेक्स्ट है PO4 इंजीनियरिंग टूल्स, ये टॉपिक पढ़ने के बाद कुछ अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे बड़े बड़े मशीनरी जो है उसके टूल्स है, जैसे सोल्डरिंग गन, वायर्स, ये सब चीज़ें, कटर्स, ये सब टूल्स जो है वो यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट किया हुआ है।
लाइफ लॉन्ग PO10 सेटिस्फाइड होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं फ्यूचर में। तो आज जो अपन ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसकी जो टेक्नोलॉजी की मदद लेके, अगर फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चेंज हुई तो अपने को ये टॉपिक पढ़ने के बाद उसका नॉलेज आ सकता है। तो ये भी मैप हुआ है PO10 या फिर सेटिस्फाइड हुआ है। और ये PSO में PSO1 सेटिस्फाइड हुआ है, जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे मेंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में ही एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, इसलिए ये भी सेटिस्फाइड हुआ है। इसके लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज की ज़रूरत होती है, वो देखते हैं कौन सी। माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल, माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमीटर, माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल चैनल और माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल रिसीवर। यानी माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमीटर के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, वही सिग्नल को रिसीवर करने के लिए रिसीवर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और ये ट्रांसमीटर से सिग्नल रिसीवर की तरफ भेजने के लिए चैनल की इंफॉर्मेशन होना आपको ज़रूरी है। चैनल आपका वायर भी रह सकता है, वेवगाइड भी रह सकता है, एयर रह सकता है, ऑप्टिकल फाइबर रह सकता है, वाटर रह सकता है। ये सब हाई फ्रिक्वेंसी पे, यानी पूरा सब्जेक्ट जो है रडार सैटेलाइट, ये हाई फ्रिक्वेंसी पे काम में आता है, हाई फ्रिक्वेंसी पे वर्क करते हैं। और जो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी रहती है, जो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रहती है, वो सिग्नल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। सेकंड अपना दो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 1, 2, 3 जो है वेवगाइड के ऊपर में। ये वेवगाइड एक्चुअल क्या रहता है वो अपन देखते हैं। द ओरिजिनल एंड मोस्ट कॉमन मीनिंग इज हॉलो कंडक्टिव मेटल पाइप यूज टू कैरी हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव कॉल्ड माइक्रोवेव वेवगाइड। ये आपको दिख रहा है 1, 2, 3 और ये 4। ये क्या है, एक मेटल से बना हुआ हॉलो मेटेलिक ट्यूब है। यानी हॉलो का मतलब ये अंदर से खुला है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से, यानी यहाँ से जैसे पानी का पाइप रहता है वैसे ये मेटल से बना हुआ, वो प्लास्टिक का रहता है, ये मेटल से बना हुआ एक पाइप है जिसे वेवगाइड कहते हैं, जहाँ से सिग्नल जा सकते हैं। जैसे पानी के पाइप से पानी जाता है वैसे ये वेवगाइड से, जो मेटल से बना हुआ है, इसमें से एक जगह से दूसरी जगह पे माइक्रोवेव सिग्नल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको सिंपल तरीका, तो इसलिए क्या बोला है कि मेटल से पाइप है वो कंडक्टिव है, कंडक्टिव यानी मेटल से बना हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल जा टू कैरी हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव। ये क्या करता है, अपने साथ कैरी करता है, लेके जाता है हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव कॉल्ड माइक्रोवेव वेवगाइड। और ये इंडस्ट्री में इस तरीके से ये माइक्रोवेव गाइड होते हैं। तो पहला अपन ने देखा ट्रांसमिशन लाइन इसके पहले, और ये सेकंड वाला है वेवगाइड। एक्चुअल वेवगाइड दो टाइप से, एक है रेक्टेंगुलर वेवगाइड, एक है सर्कुलर वेवगाइड। या ये एक मेटल से बना हुआ है और ये रेक्टेंगुलर पैटर्न में है, तो रेक्टेंगुलर, ये है रेक्टेंगुलर वेवगाइड। और यहाँ पे इस तरीके से ये एनिमेशन उसकी डायग्राम है। दूसरा है वेवगाइड का टाइप सर्कुलर वेवगाइड, यहाँ पे वेवगाइड सर्कुलर पैटर्न में रहता है इस तरीके से। रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स के मोड्स अपन देख रहे हैं, एक है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक और दूसरा है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक। अब इसको एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें इसके बेस पे दो तीन लेक्चर, आगे के लेक्चर इसी पे डिपेंडेंट है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको एक वेवगाइड पहले तो कंसिडर करना पड़ेगा, यह है रेक्टेंगुलर वेवगाइड। रेक्टेंगुलर वेवगाइड की फील्ड पढ़ना है तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड अपन ने कंसिडर की है। तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड को अपन ने पहले क्या किया है, एक एक्सिस पे लिया हुआ है, ये इस तरीके से एक एक्सिस है। तो इस पे जो यहाँ से ये होलो मेटेलिक ट्यूब है, यानी इसके अंदर से जैसे पानी का पाइप रहता है उसमें से, उसके अंदर से पानी जाता है, इसके अंदर से माइक्रोवेव सिग्नल अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है जेड, ये इसको अपन ने हॉरिजॉन्टल वेवगाइड को अपन ने क्या किया, एक एक्सिस पे रख दिया, जिसमें जेड डायरेक्शन है ये, एक्स डायरेक्शन है ये,
और वाई डायरेक्शन है ये। इसकी जो ब्रेड्थ है वो है, जिसे ए डिनोट किया हुआ है, एकदम अच्छे से एक एक पॉइंट आपको देखना है, क्योंकि ये एकदम माइनर चीज़ है, बारीक चीज़ है, लेकिन ये समझी नहीं तो आगे के टॉपिक आपको नहीं समझेंगे, इसलिए ये एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझना है। इसकी जो ब्रेड्थ है वो है पॉइंट ए, और इसकी जो विड्थ है वो है पॉइंट बी, और इसकी ब्रेड्थ हायर रहती है एज कम्पेयर टू विड्थ, विड्थ इसकी कम रहती है हॉरिजॉन्टल वेवगाइड में। जेड है ये डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन, ये रहता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये है वाई वाई एक्सिस, ये है प्रोपोगेशन, और ये है एक्स एक्सिस। तो ऐसे तीन एक्सिस रहते हैं, एक रहे जेड यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जिसमें इसके अंदर से डायरेक्शन, जैसे ये इसके अंदर से वेव यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये हो गया जेड डायरेक्शन, और ये वाई डायरेक्शन के एक्सिस है, और ये एक्स डायरेक्शन के एक्सिस है। इसका भी कुछ काम होता है, वो आगे में पढ़ेंगे। तो वो गया ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव की ये वेव फॉर्म, इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक वेव इस तरीके से डिनोट की जाती है। ये है ए यानी ब्रेड्थ, और ये है विड्थ यानी इसके जो हाइट है, और ये विड्थ। उसके बाद ये सर्कुलर में ये यानी ट्रांसवर्स मैग्नेटिक, यहाँ पे मैग्नेटिक इस तरीके से डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रिक ऐसे लाइन रहती है और मैग्नेटिक ये इस तरीके से डिनोट किया जाता है राउंड के शेप में। तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा TE मोड हमेशा आगे में। तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड यानी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज ट्रांसवर्स और परपेंडिकुलर इक्वल टू जीरो। यानी इसका मतलब क्या, जब ये मोड आपको सुनने को मिलेगा ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, इसकी डायग्राम ये है, तो इसके वक्त आपको ध्यान में रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज ट्रांसवर्स और परपेंडिकुलर इक्वल टू जीरो। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन यहाँ पे कौन सा है, जेड, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में, ट्रांसवर्स है या परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या, अगर ये जेड एक्सिस ऐसी है तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेंगी यानी परपेंडिकुलर रहेंगी, यानी इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगी। तो एकदम आसान लैंग्वेज में है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बोला तो इसकी वैल्यू रहेंगी जीरो, यानी इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगी। तो इसको ये एक सेंटेंस का मतलब बहुत एकदम डीप है, उसको अच्छे से समझना है, और ये पहला सेंटेंस आपको समझा तो आगे का सेंटेंस आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएंगे। सेकंड टॉपिक है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक में बोला तो वैसे ट्रांसवर्स यानी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में यहाँ पे मैग्नेटिक बोला है, तो सिंपल ध्यान रखना फिर इस वक्त क्या रहेगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में मैग्नेटिक फील्ड अब भी इस वक्त परपेंडिकुलर रहेंगी, यानी इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जाएंगी क्या, नहीं जाएंगी। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इन अ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज परपेंडिकुलर और ट्रांसवर्स, उसकी वैल्यू रहेंगी जीरो। ये हो गया ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, और थर्ड हो गया है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसे डोमिनेंट मोड भी कहा जाता है। ये डोमिनेंट मोड आपका, ये वर्ड आपको पूरे तीन चैप्टर में हर बार आएगा, और TEM मोड, उसे ही TEM मोड कहते हैं, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, यानी ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड, इसके ये दो, इस पे ये दो मोड के कॉम्बिनेशन से ये मोड बना हुआ है, और ये डोमिनेंट मोड, डोमिनेंट मोड इसी को कहा जाता है। तो जहाँ पे अभी यहाँ पे ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक के वक्त डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के वक्त वो परपेंडिकुलर था इलेक्ट्रिक, इसलिए यहाँ से वो जाता ही नहीं था, और मैग्नेटिक के वक्त मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोपोगेशन का परपेंडिकुलर थी, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इसमें से नहीं जाती थी। और ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के वक्त क्या होगा, दोनों फील्ड इसके परपेंडिकुलर रहेंगे, एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में
ट्रांसवर्स इलेक्ट यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड यहाँ पे परपेंडिकुलर रहेंगी यानी इस डायरेक्शन में रहेगी, तो उस वक्त उसकी वैल्यू रहेगी जीरो। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन इज ट्रांसवर्स एंड परपेंडिकुलर इक्वल टू जीरो। एम डिनोट द नंबर ऑफ हाफ साइकिल वेरिएशन ऑफ द फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इन द एक्स डायरेक्शन। एम डिनोट करता है, अभी यहाँ पे एम और एन आगे में आएगा तो आपको ये चीज़ पढ़ेगी पढ़ने को मिलेंगी। तो एम डिनोट बस आपको याद रखना है, एम क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ हाफ साइकिल वेरिएशन ऑफ द फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में नंबर ऑफ हाफ साइकिल यानी सिग्नल की हाफ साइकिल, जैसे अपना साइन वेव रहता है तो उसकी हाफ साइकिल कितनी रहती है एक्स डायरेक्शन में। और एन क्या डिनोट करता है कि नंबर ऑफ हाफ साइकिल जो है वो वाई डायरेक्शन में कितनी है, यानी वाई डायरेक्शन में हाफ साइकिल कितने बार आती है। तो ये आपको एम और एन पता रहना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेन द डोमिनेंट मोड ऑफ वेव प्रोपोगेशन थ्रू रेक्टेंगुलर वेवगाइड। तो अभी देखते हैं इसके बारे में। जैसे ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर वेवगाइड, ये इसके अंदर से इस तरह से जिगजैग पैटर्न में, इसे कहते हैं जिगजैग पैटर्न, ये जिगजैग पैटर्न में वेव आगे बढ़ती जाती है यानी यहाँ से यहाँ तक, ऐसा सीधा नहीं जाती वो, ऐसे जिगजैग पैटर्न में जाती है इस तरीके से। और ये आपने डायग्राम देखी है और ये एनिमेशन डायग्राम है, यानी आपको ये देख के समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वेव ट्रांसफ़र होती है। रेक्टेंगुलर वेवगाइड इज़ अ होलो मेटेलिक ट्यूब, ये मेटल से बना हुआ है और हॉलो रहता है। हॉलो बोला तो आपके सामने एक वाटर पानी का पाइप लाना कि उस जैसे पानी वाटर वो पाइप के अंदर से जाता है, वैसे इस ये मेटल से बना हुआ है और इसके अंदर से क्या जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल यानी माइक्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इसमें से जाता है विद अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। ये इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, रेक्टेंगुलर है। तो डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन, TEM वेव कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ रेक्टेंगुलर वेवगाइड। जैसे अपने ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके पहले के स्लाइड पे पढ़ा था, तो ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड इसमें एग्जिस्ट ही नहीं, यानी रेक्टेंगुलर वेवगाइड में TEM वेव एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी TEM वेव जो है वो रेक्टेंगुलर वेवगाइड में नहीं रहती है। द वॉल्स ऑफ द वेवगाइड इज ऑप्टेंड फॉर द डायमेंशन ए ग्रेटर देन बी फॉर वेवगाइड कैन कंसिडर एज ए नियरली परफेक्ट कंडक्टर। यानी इसमें क्या बोला है कि वेवगाइड की वॉल यानी क्या, ये साइड की दीवार, ये ऊपर की दीवार, ये साइड की दीवार, क्योंकि ये तो अंदर से तो ये हॉलो है, ठीक है। तो ये इसमें ए ग्रेटर रहता है बी से, तो ए ग्रेटर क्यों, क्योंकि ए का साइज ज़्यादा रहता है बी से, बी छोटा रहता है और ये जो इसका जो विड्थ है ये जो है ये ज़्यादा रहता है, तो और ये इसलिए ये परफेक्ट कंडक्टर करके माना जाता है। देयरफॉर द बाउंड्री कंडीशन रिक्वायर्ड डैट इलेक्ट्रिक फील्ड बी नॉर्मल। बाउंड्री कंडीशन इसकी क्या रहेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉर्मल में वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से ट्रांसफ़र होते रहेगा। द मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी टेंजेंशियल दैट इज पैरेलल टू द वेव। जैसे आपने मैथमेटिक्स में नॉर्मल और टेंजेंशियल पढ़ा या पैरेलल पढ़ा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल में रहता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है, पैरेलल में जाता है वेवगाइड के वॉल से, यानी ये वेवगाइड के वॉल से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैरेलल में आगे बढ़ता है। द फिजिकल साइज ऑफ द वेवगाइड डिटरमाइन द प्रोपोगेशन ऑफ मोड्स डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एम एंड एन। एम और एन की वैल्यू क्या रहता है, एम और एन अपन ने इसके पहले ही पढ़ा है, एम एन एक्स डायरेक्शन में हाफ साइकिल कितने रहते हैं और एन एन ए वाई डायरेक्शन में हाफ साइकिल कितने रहते हैं। तो फिजिकल साइज ऑफ द वेवगाइड डिटरमाइन द प्रोपोगेशन ऑफ मोड्स डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ एम एन एंड। तो उसका साइज वेवगाइड का किस पे डिपेंड करता है, अपने को एम और एन कितने वैल्यू के आना, नंबर ऑफ हाफ साइकिल कितने वैल्यू के होना, ये इस पे डिपेंड करता है। मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर अ रेक्टेंगुलर
m equal to 1, n equal to 0. That is TE10 mode is the dominant mode for a rectangular waveguide. डोमिनेंट मोड फॉर रेक्टेंगुलर वेवगाइड यानी मिनिमम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या कि कम से कम इतनी फ्रिक्वेंसी उसमें वहाँ पे मिलने को होना, अगर उससे कम मिल गई तो उसमें से सिग्नल का ट्रांसमिशन नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर, तो m इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 0, m की वैल्यू 1 यानी एक्स डायरेक्शन में जो सिग्नल जा रहा है कम से कम वो 1 होना, और इसकी वैल्यू अगर 0 रही तो m इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 0, जो कट उसे कहते हैं कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेक्टेंगुलर। तो ये बन गया ये TE10 मोड, इसे कहते हैं डोमिनेंट मोड ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड। m डिनोट द नंबर ऑफ हाफ साइकिल वेरिएशन ऑफ द फील्ड इन द एक्स डायरेक्शन एंड n डिनोट द नंबर ऑफ हाफ साइकिल वेरिएशन ऑफ द फील्ड इन y डायरेक्शन। इसके बारे में और डिटेल में है, विद द नीड डायग्राम डिस्क्राइब द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव माइक्रोवेव थ्रू रेक्टेंगुलर वेवगाइड इन विच कंडीशन इट बिकम्स डोमिनेंट मोड, कौन से कंडीशन में डोमिनेंट मोड बनता है। तो फिर से वही डायग्राम से रिपीट, क्योंकि उसका नॉलेज अपने को यहाँ पे बढ़ाना है। बाकी तीन स्लाइड में ये एक ही एक इंफॉर्मेशन है, बस आपका नॉलेज इसमें बढ़ना चाहिए, इसलिए इसको डीप में अपन एक एक चीज़ें और आगे पढ़ते जा रहे हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट्स वेरी इन साइज विथ फ्रिक्वेंसी ऑफ द इनपुट एनर्जी, यानी इनपुट एनर्जी के फ्रीक्वेंसी पे इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट डिपेंड है, वेरी होता है ये। यानी अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है इनपुट एनर्जी की, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट्स इज वेरी इन साइज। यानी अगर इनपुट सिग्नल यहाँ से जो दे रहे हैं उसकी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी ऐसा यहाँ से ऐसा जा रहा है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है नहीं ऐसा, तो उसका साइज भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ते जाएगा। एरो शो द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन, ये एरो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन। द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन अ वेवगाइड इज द फ्रीक्वेंसी दैट कॉजेस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन टू द परपेंडिकुलर टू द वॉल ऑफ द गाइड। यानी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इन अ वेवगाइड इज द फ्रिक्वेंसी दैट कॉजेस, यानी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के ही वजह से वेवगाइड के कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वेवगाइड के अंदर में जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी रहती है सिग्नल की, उसके वजह से ही उसके कारण के वजह से ही सिग्नल में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर रहता है इन अ वॉल ऑफ वेवगाइड। क्योंकि कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए उससे एंगल बनाना पड़ेगा, नहीं तो सिग्नल ट्रांसमिट ही नहीं होगा। तो इसीलिए कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इन वेवगाइड ये ऐसी फ्रिक्वेंसी अपने को जरूरी है जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर रखे इन अ वॉल ऑफ वेवगाइड। वेवगाइड को एकदम उसको चिपक के वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रॉपरली मेंटेन रखे तो ही सिग्नल यहाँ से ट्रांसफर किया जा सकता है। इफ द फ्रीक्वेंसी बिलो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, इफ द फ्रीक्वेंसी बिलो द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नो एनर्जी विल बी कंडक्टेड इन अ वेवगाइड। अगर ये अपनी जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी है ये अगर बिलो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हो गई, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी यानी कम से कम फ्रिक्वेंसी, मैंने इसी यानी इसी स्लाइड के पहले में अपने देखा था, अभी इसके पहले ही देखा था, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी यानी ऐसी फ्रिक्वेंसी कि जिससे अगर कम हो जाए फ्रिक्वेंसी तो इसमें से वेव अपन ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकते। तो इनपुट की जो फ्रिक्वेंसी होती है एटलीस्ट वो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के इक्वल होना या उससे ज़्यादा होना, उससे कम हो गई तो वो ट्रांसफ़र ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या बोला है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी बिलो द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नो एनर्जी विल बी कंडक्टेड इन द वेवगाइड, वेवगाइड के अंदर में वेव ट्रांसफ़र ही नहीं कर पाएगी। द
द वेव प्रोपोगेट डाउन द वेवगाइड इन जिगजैग मैनर विथ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द गाइड एंड जीरो एट द वॉल। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपन वेवगाइड से जिगजैग मैनर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो मैक्सिमम रहते हैं सेंटर ऑफ द गाइड एंड जीरो एट द वॉल। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ट्रांसफ़र कर रहे हैं वेवगाइड में से वो सेंटर में, यानी ये सेंटर में वेवगाइड की वो मैक्सिमम रहती है, और वेवगाइड की जो वॉल है, यानी जो वॉल है यहाँ पे ये एकदम कम रहती है, क्योंकि वॉल के पास अगर ये पास में ज़्यादा रही तो उसमें लॉसेस आ सकते हैं, सिग्नल को अटेन्यूएट हो सकता है, वो जो वॉल है, वो जो दीवार है जो मेटल से बना है, वो उसे वो सिग्नल को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसे मैंने आइसोलेट कर सकता है। तो इसलिए ये मैक्सिमम रहता है सेंटर में और जीरो रहता है वॉल में। द मोड विथ लोएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड एज डोमिनेंट मोड ऑफ द गाइड। तो इसीलिए जो मोड में लोएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी रहता है, कम से कम फ्रिक्वेंसी का सिग्नल, उसे कहते हैं डोमिनेंट मोड ऑफ द गाइड। इट इज यूज टू चूज द साइज ऑफ द गाइड सच दैट ओनली दिस वन मोड कैन एग्जिस्ट इन अ फ्रिक्वेंसी बैंड ऑफ ऑपरेशन। यानी इसके वजह से अपन वेवगाइड का साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये फ्रिक्वेंसी बैंड ऑफ ऑपरेशन में ये मोड एग्जिस्ट करता है, कौन सा डोमिनेंट मोड। तो वेरियस फ्रिक्वेंसी मोड में ये करता है, एग्जिस्ट करता है, और इस पे अपना जो वेवगाइड की साइज सिलेक्ट करने में अपने को मदद मिलती है। डेफिनेशन ऑफ मोड, मोड की डेफिनेशन, अभी मोड वगैरह अपन यहाँ पे बोल रहे हैं कि डोमिनेंट मोड, मोड क्या होता है। ऑल पॉसिबल कॉन्फिग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन वेवगाइड। वेवगाइड के अंदर में जो भी पॉसिबल पैटर्न होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के या फिर मैग्नेटिक फील्ड के, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके जितने भी डिफरेंट पैटर्न होते हैं उसे कहते हैं मोड। ठीक है, तो मोड्स इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड इज TEMN। इफ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड रहा तो TMN लिखेंगे, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक, और इफ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड रहा तो TMMN ये लिखेंगे। दोनों का टाइप्स ऑफ वेवगाइड, रेक्टेंगुलर सर्कुलर का डिफरेंस पूछा जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले डायग्राम है, उसका डोमिनेंट मोड क्या है, कम से कम इसको कितना सिग्नल होना कि वो ट्रांसफ़र कर सके। तो यहाँ पे रहता है TE11, और रेक्टेंगुलर वेव का डोमिनेंट वर्ड अपन ने पढ़ा डोमिनेंट मोड TE10। इसका मैन्युफैक्चरिंग सर्कुलर वेवगाइड का आसान है, इसका डिफिकल्ट है। इसमें अटेन्यूएशन कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है, सर्कुलर रेक्टेंगुलर वेवगाइड में ज़्यादा होता है। कट ऑफ वेवलेंथ इसमें लो रहती है, इसमें हाई रहती है। पावर रिक्वायर्ड इसमें ज़्यादा रहता है, इसमें लो रहता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो एक बार शॉर्ट में पढ़ लेते हैं अपन। सबसे पहले है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, यानी एक सिंपल शॉर्ट में इसको पढ़ना है और शॉर्ट में समझना है। तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या, कि जो फ्रिक्वेंसी वेवगाइड के अंदर से जाती है और जो फ्रिक्वेंसी, यानी कम से कम फ्रिक्वेंसी जिसके ऊपर वो प्रोपोगेशन वेवगाइड में से ट्रांसफ़र हो सकता है। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के अगर कम फ्रिक्वेंसी रही तो वेवगाइड में से सिग्नल ट्रांसमिट ही नहीं हो पाएगा। तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, इट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिग्नल अबव विच प्रोपोगेशन ऑफ वेव ऑकर। यानी इसके ऊपर कम से कम इतनी फ्रिक्वेंसी होना, इसके ऊपर सिग्नल का ट्रांसमिशन वेवगाइड में से पॉसिबल है, उससे कम रहा तो वो पॉसिबल नहीं है। उसका एक फॉर्मूला होता है FC = C/2√MMa² + NB² therefore lowest frequency which can propagate on the waveguide FC TE10। ये क्या था, रेक्टेंगुलर वेवगाइड का वो डोमिनेंट मोड था, और इससे कम का अगर सिग्नल रहा तो वो ट्रांसमिट ही नहीं कर पाएगा। नो एनर्जी कैन प्रोपोगेट इन अ रेक्टेंगुलर वेवगाइड एट फ्रिक्वेंसी बिलो TE10।
इससे कम का सिग्नल वो ट्रांसमिट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि T10 ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड का डोमिनेंट मोड है। दिस इज द एब्सोल्यूट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेवगाइड। दूसरी डेफिनेशन है फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी क्या है? फेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट एट विच द वेव चेंजेस इट्स फेज इन द वेवगाइड। अभी एक वेवगाइड है, वो वेवगाइड के अंदर में कितने बार वो अपना फेज चेंज कर रही है इन अ वेवगाइड, यानी कौन से रेट से वो कितने फास्ट में सिग्नल जो है अपना वेव फेज चेंज कर रहे है, उसे कहते हैं फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी यानी क्या? वेवगाइड के अंदर में जो वेव है वो कितने स्पीड से अपना अपनी जो फेज है वो चेंज कर रहे हैं, उसको कहते हैं फेज वेलोसिटी। और इसको ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच द वेव प्रोपोगेट थ्रू द वेवगाइड इज कॉल्ड इज गिवन बाय। यानी ग्रुप वेलोसिटी क्या है कि कौन से रेट से वेव प्रोपोगेट हो सकती है वेवगाइड में, वेवगाइड के अंदर से कितनी क्वांटिटी में सिग्नल ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो वीजी इक्वल टू वीसी अंडर रूट 1 माइनस लैम्बडा बाय लैम्बडा c² और वीजी इक्वल टू वीसी साइन थीटा। तो वीसी क्या है? वीसी इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, लैम्बडा इज द फ्री स्पेस वेवलेंथ, लैम्बडा जीरो इज द कट ऑफ वेवलेंथ। द ग्रुप वेलोसिटी इज ऑल्सो कैन बी डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ एनर्जी फ्लो इन द वेवगाइड सिस्टम। तो ग्रुप वेलोसिटी क्या है कि वेव में जो वेवगाइड में कितने क्वांटिटी में कितने रेट से सिग्नल ट्रांसमिट हो सकता है, कितनी क्वांटिटी यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितना सिग्नल वेवगाइड में से ट्रांसमिट हो सकता है, उसे कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी। नेक्स्ट डेफिनेशन गाइडेड वेवलेंथ ऑफ द गाइड। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव इन ऑर्डर टू अंडरगो अ फेज शिफ्ट ऑफ 2π radians अलोंग द वेवगाइड। यानी एक सिग्नल जो 2π, जैसे साइन वेव आपके आँख के सामने लाओ कि एक साइन वेव में एक पाए रहता है और उसके नीचे कंप्लीट करने के लिए 2π लगता है, तो 2π एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने के लिए वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वेवगाइड से, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वेवगाइड से वो आपको यानी एक 2π radians कंप्लीट करने के लिए इन द वेवगाइड, तो उसे कहते हैं गाइडेड वेवगाइड ऑफ द गाइडेड वेवलेंथ ऑफ द वेवगाइड। यानी इसमें क्या है कि 2π एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसे कहते हैं गाइडेड वेवलेंथ ऑफ द वेवगाइड। नेक्स्ट है कट ऑफ वेवलेंथ। द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ एनी मोड इज डिफाइंड एज मैक्सिमम वेवलेंथ एट विच द वेव विल गेट प्रोपोगेट फ्रॉम द वेवगाइड। यानी इसका मतलब क्या है कि कितना मैक्सिमम वेव की लेंथ होना चाहिए कि जिसके यानी अगर उससे अगर वो सिग्नल बढ़ गया, उसकी लेंथ अगर बढ़ गई वेव की, तो वो वेवगाइड में से ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाएगा। तो कट ऑफ वेवलेंथ का मतलब क्या है कि मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके बाद अगर वेव की लेंथ बढ़ गई तो वो उस वेवगाइड में से ट्रांसफ़र ही नहीं हो सकता है, उसको कहा जाता है कट ऑफ वेवलेंथ। उसका फॉर्मूला होता है लैम्बडा सी इक्वल टू सी बाय एफ सी। एफ सी का मतलब क्या है? सी बाय टू ये अंडर रूट m/a² प्लस n/b² और लैम्बडा सी इक्वल टू 2 अंडर रूट m/a² प्लस n/b². आपने यहाँ तक भी आपको याद रहा तो भी ठीक है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है सिर्फ, और ये आपको डेफिनेशन याद रखना है। कट ऑफ वेवलेंथ फॉर द पैरेलल प्लेन वेवगाइड वेयर द ओनली वन साइड प्रेजेंट ओनली द डायमेंशन इज प्रेजेंट फॉर्मूला विल बी लैम्बडा सी इक्वल टू 2a/m। तो आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ इतना पता यानी यहाँ पे ये फॉर्मूला एक कोई भी फॉर्मूला याद रखो दो में से और नीचे में उसको क्या बोलते हैं वो पता रहना चाहिए। और गाइडेड वेवलेंथ यानी गाइडेड वेवलेंथ की डेफिनेशन और इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला और कट ऑफ वेवलेंथ में इसकी डेफिनेशन
और एक उसका फॉर्मूला, यानी यहाँ तक भी लिखा तो भी आपको एग्जाम में मार्क्स मिल जाते हैं। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल से यहाँ पे एक एक न्यूमेरिकल है। जैसे रेक्टेंगुलर वेवगाइड इज द 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट। तो एम इक्वल टू एन, एन इक्वल टू जीरो दिया है, डोमिनेंट मोड ऑफ द रेक्टेंगुलर 1 0। तो एक इसमें फॉर्मूलेज है, तो हर चीज़ में इसकी एम की वैल्यू डालो। यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है 1.5 इंटू 10^8। तो ये फॉर्मूला इसमें अगर आपने पुट करते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे मिल जाता है। या फिर और में दिया हुआ है, ये आसान तरीका है। तो आसान तरीका इसमें क्या है कि गिवन क्या दिया है, ए की वैल्यू अपने ए और एम और एन की वैल्यू। तो यहाँ पे 1 0 क्यों लिया है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड है। रेक्टेंगुलर वेवगाइड में अपना डोमिनेंट मोड क्या रहता है, TE 1 0। तो 1 m का मतलब होता है 1 और n इक्वल टू 0। और a का साइज क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि a यानी जो ज़्यादा है रेक्टेंगुलर में, जो ज़्यादा है वो 5 सेंटीमीटर, इसलिए 5 सेंटीमीटर लिया है। कट ऑफ वेवलेंथ, तो इसका फॉर्मूला है लैम्बडा c इक्वल टू 2 इंटू a, 2 इंटू a एन ए 5 5, यहाँ से उठाया हुआ है, इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी उसको कन्वर्ट किए तो 0.01 मीटर। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है c बाय लैम्बडा c, सी यानी वेलोसिटी ऑफ द लाइट, जो रहता है 3 × 10^8 डिवाइडेड बाय 0.01। लैम्बडा c की वैल्यू अपने यहाँ से ली, तो इक्वल टू ये कैलकुलेटर में डालते हैं तो इसका वैल्यू आता है 3 GHz। इसका सेकंड न्यूमेरिकल भी है, सब वैल्यू दी गई है यहाँ पे। तो सेम इसके पहले का जो न्यूमेरिकल था उसी तरीके से ये न्यूमेरिकल है, c बाय 2a। सी की वैल्यू यहाँ पे डाली है 3 × 10^8 और 2 × a की वैल्यू यहाँ पे दिया है 4 सेंटीमीटर, तो उसको कन्वर्ट किया है 0.04 में, तो ये वैल्यू इसकी मिली है। फेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला अपन ने वहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी थी, वहाँ देखा था c बाय √1 − fc/f², तो c की वैल्यू तो फिक्स है 3 × 10^8, 1 − fc की वैल्यू, fc अपन ने कैलकुलेट किया है यहाँ से 3.75 GHz, और f की वैल्यू दी है 8 GHz, जो अपने प्रॉब्लम में ही गिवन है। तो सीधा यहाँ पे पुट करो कैलकुलेटर में, सीधा आंसर यहाँ पे आ जाता है। क्या क्या अपन ने पढ़े शॉर्ट में देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेवगाइड, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर टाइप का वेवगाइड रहता है। प्रोपोगेशन ऑफ वेव इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड, रेक्टेंगुलर वेवगाइड में वेव कैसे प्रोपोगेट होते हैं। और लास्ट अपन ने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स फ्रॉम कंडक्टिंग प्लेन, डोमिनेंट मोड, बैरलान प्लेन वेवगाइड, कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी, उसके न्यूमेरिकल, ये अपन ने अभी तक देखे। ये डेफिनेशंस है और उस पर न्यूमेरिकल, वो अपन ने पढ़े हैं। इस पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में, डिफाइन द टर्म, इसमें डेफिनेशन हर बार पूछी जाती है, जो अपने 4-5 डेफिनेशन देखी है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, गाइडेड वेवलेंथ ऑफ वेवगाइड और कट ऑफ वेवगाइड। तो आपको जो मैंने डेफिनेशन के वक्त वर्डिंग वहाँ यूज की है, तो आपको आराम से सुनना है तो एकदम आसान बन जाएगी। वो दिखता बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बहुत आसान है। बस मेरे जो वर्डिंग्स है, मैं समझाते वक्त भी वही आपको, अगर समझाते वक्त भी वही वर्डिंग यूज करता हूँ, तो आपको ये आपको पता रहना चाहिए, तो एकदम आसानी से वो आसान बन जाएंगी। ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवगाइड, वेवगाइड के डिफरेंट टाइप्स कौन से होते हैं, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर। व्हाट इज द डोमिनेंट, डोमिनेंट मोड का डेफिनेशन। एक्सप्लेन वेव प्रोपोगेशन इन अ रेक्टेंगुलर वेवगाइड। With neat diagram describe the propagation of wave, microwave through rectangular waveguide in which condition it becomes dominant mode. इसका भी जवाब अपन ने देखा है वहाँ पे। Explain the dominant mode of wave propagation through rectangular waveguide. Dominant mode को explain करने के लिए हर बार पूछा जाता है। उसके numerical, numerical अपन ने एक numerical देखा है, ये second numerical है, और ये थर्ड न्यूमेरिकल जो आपको नोट्स में देखने को मिलेगा, तो ये थर्ड न्यूमेरिकल है। थैंक यू दोस्तों।